चमोली जिले के बेड़न में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास ऋण मेला का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हितग्राहियों को आवास एवं ऋण के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, विगत आप देखे होंगे कि लंबे समय से मकान यहाँ पर निर्माणाधीन है प्रधानमंत्री आवास का। किसी कारण से जैसे अभी आचार संहिता की वजह से 3 महीने का समय इधर भी दिया, मकान की स्थिति बनकर तैयार है यहाँ पर, लोगों को मकान जल्दी मिल सके उनको, इसलिए हम लोगों ने बैंक के लोगों से बात करके बैंक के कर्मचारियों को यहाँ पर बुलाया और हितग्राहियों को साथ में बुला करके उनसे बात कराई गई कि आप सहयोग करें, जो भी बैंक में कागज वगैरह चाहिए आप इनको करें, आप अपने से सिर्फ डिसीजन लेकर के कि बैंक भी आपको गुमराह ना कर सके, आप अपना बात करके आप जो अच्छा समझे, जो बातें थी हम लोगों ने भी हितग्राहियों से साझा किया है और बैंक के लोगों से बात भी हुआ है। सर, अभी बाहर कुछ हितग्राही खड़े हैं जिसमें असंतोष दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि सभी लोग आए हुए हैं, बैंक आज एक जैसे कि प्रधानमंत्री आवास के लिए 2 लाख रुपये लगना है, ये पहले से स्कूल से जानकारी है लोगों को। 20,000 का शुरू में बुकिंग अमाउंट उनसे लिया गया था नगर निगम, उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, वो सभी आज यहाँ पर आए हैं। बैंक से बैंक के लोगों को भी बुलाया गया कि लोन 1.80 जो बची हुई रकम है उसमें साफ साफ ये उनको बताया गया कि अगर जो आप किस्तों में भी दे सके तो आप आसान की जो भी है बात करके तो किस्तों में भी दे दीजिए कि जिससे आपको बैंक में लोन ना लेना पड़े आपको। अगर जो कुछ लोग जैसे पिछली हम लोग मीटिंग में यहाँ पर आए थे, कुछ लोगों ने कहा था कि हम सक्षम हैं, आवास के लिए हमको 2 लाख बहुत सस्ता आवास मिल रहा है तो हम इकट्ठा भी दे सकते हैं, तो ऐसे भी लोग अभी हम लोग को मिले, उन्होंने कहा कि हम भाई लोन नहीं कराना चाहते, हम इकट्ठा अपना जमा करेंगे, ऐसे लोग भी थे। अब देखिए, कुछ हमारे गरीब लोग भी जो वो नहीं ले सकते हैं, उनके लिए बैंकों से सभी बैंकों से बात हो रही है, हमारे नगर निगम के अधिकारी अभी और बैंकों को बुलाए हैं और नगर निगम सभागार में उनसे बात अभी होगी तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सके और उनको समय पर मिल सके। देखिए, अभी हितग्राहियों से जो बात हुई है उनका कहना है कि पहले बोला गया था कि 20,000 पहले जमा कर दीजिए, 1,80,000 निर्व्याज आपको लोन दिलाया जाएगा, लेकिन आज ये उसी चीज़ को बोला जा रहा है, कुछ परसेंट जो 11% 12% जो भी कहे होंगे ब्याज लगेगा। देखिए क्या है, मैं स्पष्ट कर बताना चाहूँगा, ऐसा हमारे यहाँ किसी को अगर जो किससे बात किए है, हमारे यहाँ शुरू से ही जितने मीटिंग में हम लोग आए हैं स्पष्ट हमारे अधिकारियों द्वारा हमेशा निर्देशित किया गया है कि ये नियम जो सरकार के जो नियम थे उसके अलावा कुछ उनको नहीं बताया गया जो हम लोग मीटिंग में थे। कोई अभी तो हम नहीं मिले हैं उनसे, बात अभी नहीं हो पाई है क्या है शिकायत, अगर जो किसी को शिकायत भी है कि कोई गड़बड़ उनको गलत जानकारी दे रहा है उसकी शिकायत कर सकते हैं नगर निगम में और स्पष्ट जानकारी नगर निगम से उनको मिल सकती है। जो सक्षम अधिकारी हमारे एचक्यूटी इंजीनियर अभी यहाँ पर हैं और जैन साहब वगैरह सब हैं, उनसे जो नियम है उस नियम से आपको पूरी जानकारी हम मिल सकती है।